अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीडिंग के बारे में कि हम अपने पपी को किस तरह से फीडिंग करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम घर पे मिल्क रिप्लेसर तैयार करके अपने पपी को दे सकते हैं, और आज हम देखेंगे कि किस तरह से पपी को बॉटल फीडिंग करवाई जाती है। मिल्क रिप्लेसर जो होते हैं वो बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो हमने मिल्क रिप्लेसर घर पे तैयार किया था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उससे भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर हमने एग योक भी डाली थी जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा हमने ऑयल भी ऐड किया था जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं। और चलें आए अब हम देखते हैं कि पपी को किस तरह से फीडिंग करवानी है, और इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई आज। ये देखो, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और बेबी की एज जब 1 माह हो तो उसे दिन में 4 से 5 दफ़ा फीडिंग करवाएं। जब वो 1.5-2 माह का हो तो आप फीडिंग कम करते जाएं, मतलब 3 से 4 दफ़ा करवाना शुरू कर दें दिन में। कितना क्यूट लग रहा है ये, और ये इतना क्यूट लगता है ना जब इसको फीडिंग करवाओ तो हाथों को ऐसे ऐसे करता है लाइक। अच्छा इसको देखें, भूसा आएगा जब मैं हटा लूंगी। उई छोड़ दो छोड़ दो, ये देखो पागल हो गए। अच्छा ये लो ये लो ये लो ये लो, इसका पेट देखे फटने वाला हो गया, फटने वाला लाइक। और इसको ना बस अभी भी और मिल्क पीना है। हाय व्यूवर्स को हाय करो। आज हमने डिस्कस किया कि पपी को किस तरह से फीडिंग करानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। चलो पपी, इनको बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यू